अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके साथ मोहम्मद वेस खान नदवी, फाजिल अदब दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ। आज इंशाल्लाह हम आपको जो है बनाना सिखाएंगे मुस्तकबिल बाईद और मुस्तकबिल करीब। इसको आप देख लीजिए अच्छे से। इसको समझने के लिए मैं आपको पहले एक चीज़ समझा देता हूँ कि जैसे हमने यफ्ताहु का तर्जमा पढ़ा था, फ़ैल मुजारे जो था ना यफ्ताहु या यज़रिबु, कुछ भी हो, मिसाल तौर पर यफ्ताहु वो खोलता है या खोलेगा, तो फ़ैल मुजारे का हमने तर्जमा पढ़ा था, यानी ये जो है हाल का, इसका तर्जमा हाल का भी होता है और मुस्तकबिल का भी, यानी प्रेजेंट भी और फ्यूचर दोनों का यफ्ताहु में तर्जमा होता है। लेकिन हमें खाली फ्यूचर का तर्जमा लेना है, खाली मुस्तकबिल ही का तर्जमा लेना है फ़ैल मुजारे से, तो उसके दो तरीक़े हैं अरबी ज़ुबान में। एक यफ्ताहु का तर्जमा आप क्या करेंगे, वो खोलता है या खोलेगा। यंसुर का आप तर्जमा क्या करेंगे, वह मदद करता है या करेगा। लेकिन हमें तर्जमा लेना है वह मदद करेगा, ही विल हेल्प, हमें यही कहना है। मिसाल के तौर पर ही विल हेल्प, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे यंसुरु वह मदद करता है या करेगा, तो इसका हमें मुस्तकबिल में फ्यूचर में तर्जमा करने के लिए सिंपली हमें क्या लगा देना है, सीन आता है और सौफा, ये दो हर्फ आते हैं, ठीक है, दो लफ्ज़ आते हैं सीन और सौफा, तो सिंपली हमें सीन ऐड कर देना है शुरू में, सयंसुरु। अब सयंसुरु का तर्जमा क्या हो जाएगा, वह एक मर्द मदद करेगा, वह एक मर्द मदद करेगा। अब इसका तर्जमा करता है नहीं होगा, वह एक मर्द मदद करता है नहीं होगा, ठीक है, करता है ये गलत हो जाएगा, बल्कि करेगा। इसी तरह सीन जो है हम पूरी गर्दान में लगा सकते हैं, जैसे सयंसुरु सयंसुरानी सयंसुरुना, ठीक है, ये पूरी गर्दान हो जाएगी। तर्जमा क्या होगा, वो एक मर्द मदद करेगा, वो दो मर्द मदद करेंगे, वो सब मर्द मदद करेंगे, करते हैं का तर्जमा अब बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सीन के माना जो होंगे वो फॉर फ्यूचर आता है, सीन जो है फॉर फ्यूचर यानी मुस्तकबिल के लिए आता है, ठीक है, मुस्तकबिल के लिए। अच्छा, ये तो हुआ सीन का, अब देखते हैं सौफा का। सौफा भी सेम है, यानी जैसे यंसुरु है तो आप यंसुरु के सीन के बजाय आप सौफा लगा लीजिए, सौफा यंसुरु सौफा यंसुरानी, तो दोनों सेम है, बस थोड़ा सा दोनों में फ़र्क है, मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ। सीन जो आएगा वो मुस्तकबिल करीब यानी करेगा, बस सिंपल करेगा, और सौफा जो आता है वो आता है मुस्तकबिल बाईद, यानी वो कुछ देर बाद करेगा, मुद्दत बाद, है ना, देर बाद करेगा। तो सौफ़ में क्या होता है, कोई काम बहुत दिनों में हो रहा हो उसके लिए आता है, और सीन जो होने ही वाला हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं सौफ़ा सौफ़ा तकुलूना, इसका तर्जमा करके देखते हैं। अब इसका अकल या कुलू खाना, तकुलूना तुम सब खाते हो, सौफ़ा तकुलूना कुछ देर बाद या कुछ मुद्दत बाद तुम सब खाओगे, ठीक है, यहीं पर हो जाए सतकुलूना, खाली सीन लग जाए बस सतकुलूना, तो इसका तर्जमा तुम सब खाओगे, तुम सब, उसके लिए अन करीब का हम लफ्ज, इसके लिए हम सीन का तर्जमा अन करीब से कर सकते हैं। देखिए सीन मुस्तकबिल करीब में यहाँ लिख देता हूँ, अन करीब का तर्जमा कर लेंगे, अन करीब यानी करीब ही, तुम सब अनकरीब खाओगे, ठीक है। तो ये आपके समझ में आया सीन और सौफ़ का यूज़।
अच्छा ये फ़ेल मुजारे पर ही आएगा, ये माजी पर नहीं आएगा, यानी आप कहें जो है नसारा सनासारा, आप कहें सनासारा तो ये गलत हो जाएगा, स अगल आप कहें तो वो गलत हो जाएगा, तो ये माजी पर नहीं आएगा बल्कि ये मुजारे पर आता है, यानी सयाकुलू सयंसुरू किसी भी सीगे से पहले आप लगा सकते हैं। स अजरीबू आप कह दीजिए, अनकरीब मैं मारूंगा, कुरान शरीफ में देखिए कल्ला सौफ़ तालमून तुम जान लोगे, सुम्म कल्ला सौफ़ तालमून सनुक़रिउका फ़ला तंसा सयक़ूलु सुफ़हाउ, तो जो है बहुत सारी मिसालें सीन और सोफ़ा की आती हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी मशक करा देता हूँ और कुछ होमवर्क दे देता हूँ, आप देख लीजिए, मैं कुछ अरबी में लिख देता हूँ, आप उनका उर्दू में तर्जमा कीजिए। स यज़ लिमोना, ठीक है, स यज़ लिमोना, स यफ तहना, सैफ तहना, इसको आप जो है देखिए उस पर भी लगा लीजिए, चाहे मुजारे मजहूल पर चाहे मुजारे मारूफ पर भी लगा लीजिए। मिसाल के तौर पर मैं मजहूल पर लगा के दिखा देता हूँ, स उज़लमु, स उज़लमु, अब खाली सीन हटा के तर्जमा करेंगे उज़लमु मुझ पर जुल्म किया जाता है या किया जाएगा, सीन लगा देंगे तो स उज़लमु अनकरीब मुझ पर जुल्म किया जाएगा, तो आप मजहूल में भी तर्जमा कर सकते हैं अगर मजहूल हुआ, मारूफ और मारूफ भी, सीन जो है मारूफ पर मजहूल पर दोनों पर आ जाएगा, स उज़लमु। उसके बाद लिख देता हूँ मैं सऊफ़ तरकुदूना, रकद रकुद सोना, ठीक है, उसके बाद लिख देता हूँ यहाँ पे सऊफ़ तश रबीना, सऊफ़ तश रबीना, एराब नहीं लगा रहा हूँ मैं, वो आप जो है बोल कर जैसे मैं बोल रहा हूँ ना उसी हिसाब समझ लीजिएगा, सौफ़ तनसुरना, स सअसअलु, स सनज़हबु, ज़हबा यज़हबु जाना, सनज़हबु सऊफ़ यालमून, अलिम यालमु जानना, स तुन तुन सरूना, मजहूल लिखा है मैंने तुन सरूना, स तुन सरूना, उसके बाद लिख देता हूँ मैं स तफ़तहीना, सतफ़तहीना, उसके बाद लिख देता हूँ लास्ट लिख देता हूँ मैं सऊफ़ यज़हबना, ठीक है, इनका आप तर्जमा कीजिए, उर्दू में लिख देता हूँ मैं, आपको उनकी अरबी बना लीजिए, अनकरीब हम सब जाएंगे, ये अनकरीब का मतलब हुआ सीन, ठीक है, अगर सौफ़ मुझे लेना हो तो मैं मुस्तकबिल बईद लिख दूंगा या फिर कुछ दिनों बाद कुछ मुद्दत बाद लिखूंगा, तो अनकरीब मतलब सीन, अनकरीब हम सब जाएंगे, अनकरीब तुम सब मर्दों की मदद की जाएगी, तुमसे पूछा जाएगा, ये मैं मुस्तकबिल बाइज कहना चाह रहा हूँ, यानी कुछ मुद्दत बाद तुमसे पूछा जाएगा, और मर्द कहना चाह रहा हूँ मर्द, ठीक है, मुस्तकबिल बाइज मर्द तुमसे पूछा जाएगा, अनकरीब मैं मदरसे जाऊंगा, कुछ मुद्दत बाद हम खाएंगे, ठीक है, मर्द औरत खाएंगे, उसके लिए देखिए सीखा आता है, कुछ दिनों बाद
उसके लिए आपको कुछ दिनों बाद के लिए, बाद अय्याम इन आदि दतिन वगैरह के नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, खाली सौफ़ा लगा देना है कुछ दिनों बाद, ठीक है, सौफ़ा यूज़ करना है खाली, कुछ दिनों बाद उन सब औरतों से पूछा जाएगा, ठीक है, सौफ़ा यूज़ करना है, सौफ़ा यूज़ अन्ना वगैरह जो भी होगा, ठीक है। उसके बाद लिख देता हूँ मैं, अन करीब मुझ पर जुल्म किया जाएगा, ठीक है, हम सब खोले जाएंगे। देखिए ये मजहूल मैंने दोनों यूज़ कर दिए, जुल्म किया जाएगा मजहूल है, खोले जाएंगे मजहूल है, ये मुस्तकबिल बाइद है, ठीक है, मुस्तकबिल बाइद। तो ठीक है, मालूम हो गया आपको सीन और सोफ़ा। तो सीन और सोफ़ा के आने से क्या क्या चेंजिंग होती है ना, चेंजिंग होती है मीनिंग में, माना में जो है चेंजिंग हो जाती है, ठीक है, माना में चेंजिंग होती है, और जो है ना सीगे में कोई चेंजिंग नहीं होती, खाली आन करीब का तर्जमा और कुछ दिनों बाद का हम तर्जमा कर लेते हैं। तो ये आप होमवर्क करके भेजिए, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, और होमवर्क करके आप हमें भेज दें, इंशाल्लाह हम व्हाट्सएप पर चेक कर लेंगे अच्छी तरह, और आपको गलती के बारे में बता दिया जाएगा। पहली बार अगर आप हमारी वीडियो पर आएँ तो हमारी वीडियो को लाइक करके आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी जो भी अरबी ग्रामर की वीडियो होगी वो आप तक इंशाल्लाह बरवक्त पहुँच जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना है, इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलते हैं, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।